हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट एक यूनिक तरीके का नाश्ता। ये नाश्ता सूजी से बनकर के तैयार होता है, बहुत ही कम समय लगता है बनाने में और बच्चे इस नाश्ते को देख कर के आपसे बार बार यही बनवा करके खाएंगे। तो चलिए फटाफट से बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप के करीब सूजी और सेम उसी कप से डालेंगे दही। तो जिस मेजरमेंट में सूजी लिया था उसी मेजरमेंट में दही डालेंगे और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। एक बार सूजी और दही को मिक्स करने के बाद से अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप मेज़रमेंट में सारी चीज़ें डाल करके बैटर बनाएंगी तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आपका भी बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जब बैटर बन जाए तब हम लोग इसे ढक कर के 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, सूजी यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है, फूल चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से बारीक कटी हुई हम लोग वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा सा शिमला मिर्च और थोड़ा सा टमाटर। ये चीज़ें डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर डाल करके इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ों और मसालों का यूज़ करके मैं नाश्ता बना रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे और भी सब्जियों या मसालों का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा खाने वाला, 1 चम्मच पानी डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही स्पंजी और फ्लफ़ी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बैटर बना करके तैयार कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक पैन को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब तेल चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देंगे। उसके बाद से जो हमने बैटर बना करके तैयार किया था बिल्कुल सेंटर में आराम से डाल देंगे और आप देखेंगे बहुत ही आराम से ये अच्छी तरीके से शेप ले लेगा। हल्का हल्का सा हम लोग चम्मच की हेल्प से इसे शेप दे देंगे ताकि किनारे से बिल्कुल भी बिगड़े ना। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे डालेंगे बीच में थोड़ा सा गाजर। तो मैंने गाजर का स्लाइसेस किया है, इस तरीके से बीचों बीच गाजर को रख देंगे। और उसके बाद से हम लोग लेंगे यहाँ पे फ्रेश हरे मटर और हरे मटर को भी हमें बिल्कुल आराम से इस पे इस तरीके से बिछाते जाना है। तो यहाँ पे मैं फास्ट मोड में कर रही हूँ और इस तरीके से हम लोग मटर को अच्छी तरीके से इस पे बिछा देंगे। उसके बाद से इसे ढक कर के हम लोग थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ऊपर से जो है बैटर अच्छी तरीके से सूख जाए। तो थोड़ी देर में ऊपर से भी अच्छी तरीके से बैटर सूख जाएगा और नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी करारी हो जाएगी। अब हम लोग ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे और उसके बाद बिल्कुल आराम से इसको पलट लेंगे। अब बस नाश्ते को उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरीके से क्रिस्पी करारी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही ईजी है और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा जब भी आप इन्हें ये नाश्ता बना करके खिलाएंगे, क्योंकि जब चीज़ें दिखने में ज़्यादा सुंदर लगती है ना तो बच्चे उसे खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बच्चे इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर में ये नाश्ता बना करके जरूर खिलाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।